हेलो एवरीवन, आज हमने आपकी क्लास ट्वेल्थ की रेनबो बुक की द होप पोएम जो कि राजन अग्रवाल ने लिखी है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप कंफर्म मानिए, आपकी इसमें से दो नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में और पास बुक्स में, डेस्क वर्क्स में इसके एडिशनल कॉपी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और अभी एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास में कम समय है, इतने क्वेश्चंस अब हम याद नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए इस पोएम में से टोटल 11 क्वेश्चंस के मात्र दो आंसर बनाए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैंने आपके लिए जो आंसर बनाया है वो आंसर इन 10 क्वेश्चंस में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए या यूँ कहें कि द होप में से वो अधिकतर मोस्टली कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले वो आंसर उनको टच करके निकल रहा है। आप इसे ज़रूर पढ़ लें, मात्र दो आंसर हैं। आइए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। व्हाट आर मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग्स? मानव के लिए जो आशा है उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? नंबर टू है, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट? भूतकाल में आशा ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? फ्रेंड्स, आप जो हमने कॉमन आंसर बनाया है उसमें जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये लाइन आप जरूर लिख देना, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। भूतकाल में हमने आशा से हम जिंदा रहे हैं, यानी आशा ने हमें जिंदा रखा है। बाकी यहाँ प्लस आपको कॉमन वाला आंसर ही करना है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी डेज? यानी अंधकार भरे दिनों में आशा का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट डज होप किल? आशा किसे मार देती है, किसे समाप्त कर देती है? क्वेश्चन नंबर फाइव है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम? यानी कि इस कविता की समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ होप एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? जो कविता में मुख्य लाभ दिखाए गए हैं आशा के उन्हें समझाइए। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हाउ डज पोइट मेक हिज रीडर्स वर्डली वाइज? यानी कि कवि उसके जो पाठक हैं उन्हें सांसारिक रूप से कैसे वाइज यानी बुद्धिमान बनाता है, इसका भी जब हम आंसर लिखेंगे तो एक लाइन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से हम शुरू कर देंगे। द पोइट मेक्स हिज रीडर्स वर्डली वाइज बाय हिज गुड एडवाइस। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है, बाकी वो कॉमन वाली लाइन्स जो सारे क्वेश्चंस में चलेगी वो लिखनी है, जो भी आपको लास्ट में आपको बता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर एट, हाउ डज होप एनलाइटन लाइफ्स थोरोफेयर्स? यानी कि जीवन के अंधकार भरे रास्तों को होप कैसे प्रकाशवान कर देती है? क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हेन डू वी लीव विद एंथुसियाज्म? हम उत्सुकता से, खुशी से कब उछल जाते हैं? और क्वेश्चन नंबर दस है, इस पोएम का, द होप का कोई भी मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाए, ये अलग अलग पूछा जाता है, राइट द थीम, राइट द मैसेज या सेंट्रल आइडिया, ये भी हमने एक ही कर लिया है। यानी कि ये जो 10 क्वेश्चन हैं इनका हमने ये एक आंसर बनाया है, होप मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लीप विद एंथुसियाज्म। होप हमें आनंदित कर देती है, खुशियों से भर देती है, हम खुशी से लीप यानी जंप उछलते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप हमारे अंदर जो नकारात्मकता होती है उसे किल्स यानी समाप्त कर देती है, एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें शांति से फील्स अस विद भर देती है। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी वेज, आशा अंधकार भरे रास्तों में उजाला भर देती है। इट मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, ये हमारे आगे आने वाले दिनों की से हमें ताजगी और खुशियों से भर देती है। इस प्रकार फ्रेंड्स,
ये हमने इन 10 का मिलाकर एक कॉमन आंसर बना लिया है, यानी कि कोई सा भी होप का फायदा है आपको ये लिख देना है। बस इतना ध्यान रखें कि जैसे अभी 7th क्वेश्चन आया है रीडर्स के बारे में, तो आप इसको स्टार्ट ऐसे करें, द पोइट मेक्स हिज रीडर्स वर्डली वाइज बाय हिज गुड एडवाइस, द रीडर्स शुड बी होपफुल बिकॉज होप मैक्स, ये तो इसका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने लिखा था कि हम भूतकाल में कैसे जीवित रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में ये लिख दें और इसके बाद में आप ये लिख दें। कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर आया व्हाट डज होप किल, ये क्वेश्चन आप समझें, होप किसे समाप्त कर देती है, इसका आंसर ये रहा हमारे पास, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट। ये लाइन आप ऊपर लिख दें और बाद वाली लाइन को आप नीचे कर दें। जैसे ग्लूमी डेज के बारे में आता है, ये ग्लूमी डेज के बारे में आता है, तो फ्रेंड्स हम क्या करें, ये ग्लूमी डेज या वेज है, इनको आप ऊपर कर दें और बाद वाली लाइन्स को आप नीचे कर दें। अंततः हमें 30 से 40 शब्दों में तो आंसर लिखना ही है, तो कोई सी भी लाइन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, वो मात्र 10 या 15 शब्दों का होता है, तब भी हमारी वर्ड लिमिट पूरी नहीं हो रही है, तो हमें कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। इसीलिए ये जो हमारा आंसर है ये 100% इन सब के साथ में मैच कर रहा है। बस मैंने जो आपको समझाया आप वैसे आंसर लिखें। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग से है, इसमें उसको मुझे अलग लिखना पड़ा है, वो क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिया है, व्हाट डू बर्ड बर्ड एंड ट्रीज डू इन दियर होप्स। फ्रेंड्स ये हमने 3 का 1 बनाया है, वो अलग अलग भी आपसे पूछ सकता है, जैसे एक चिड़िया, एक कली और एक पेड़, उनकी आशा में क्या करते हैं, अलग अलग भी पूछ सकता है, तो आप अलग अलग भी आंसर लिख दें। हमने तीनों का आंसर कॉमन बना लिया है। इन इट्स होप अ बर्ड फ्लाइज फॉर फूड, आशा में पक्षी भोजन की तलाश में उड़ते हैं, भोजन के लिए उड़ते हैं, फॉर यंग वंस उनके बच्चों के लिए, और फॉर मेटेरियल टू बिल्ड अ नेस्ट, घोंसला बनाने के लिए सामग्री तलाश करने में, अ बर्ड स्टेज ऑन इट्स ब्रांच इन द होप ऑफ बिकमिंग अ फ्लावर, एक कली उसकी शाखा पर टहरी रहती है कि एक दिन वो भी फूल बन जाएगी, ट्रीज शेड लीव्स टू गेट ग्रीन लीव्स, और पेड़ इस आशा में अपनी पत्तियां गिराते हैं कि उन पर एक दिन वापस हरी पत्तियां आ जाएगी। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने आपके लिए मात्र 2 आंसर बनाए हैं और 11 क्वेश्चंस इसमें हमने ले लिए हैं। आपको कम समय में इन 2 आंसर्स को याद करना है और ये आसानी से याद भी हो जाएंगे। आपको ऐसे ही कई आइडियाज़ अपने चैनल पर मिलेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर विजिट करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।